हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल हम लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो गए हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और देखते हैं कि कोई ना कोई रेमेडी या फिर कुछ ना कुछ उपाय वो हमेशा ढूंढते रहते हैं जिससे कि उनके जो ग्रे हेयर्स हैं वो रिवर्स हो जाएँ और जितने भी वाइट बाल जो उनको होते हैं उसकी प्रॉब्लम से वो निजात पाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ऑयल लेके आई हूँ जिससे आपके जो ग्रे हेयर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि आपके जो बाल हैं सफ़ेद बाल वो काले हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो आपको इस तेल को किस तरीके से बनाना है ये इस पूरी डिटेल में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस तेल को आपको सर धोने से पहले एक रात पहले लगा के सोना है और उसके बाद आप नेक्स्ट डे जो है अपना हेयर वॉश कर सकते हैं और हेयर तो ग्रे हेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, ट्राइड है और टेस्टेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें इस तेल को बनाना है। इस तेल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लोहे की कढ़ाई चाहिए, यानी याद रखें आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए क्योंकि इसमें जो ब्लैकिश पन होता है लोहे की कढ़ाई में वो आपका तेल में आ जाएगा। तो इसमें हम एक कटोरी सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो नारियल का तेल या जो भी तेल आप यूज़ करते हैं आप उसमें जो है इसमें गर्म कर सकते हैं। तो हमने गैस को जो है मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है हमने एक कटोरी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 महीने 2 महीने तक ये तेल बना के रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम जब ये हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ा सा ये खौलने लगेगा, तो अब हम इसमें मिला दें मेहंदी। तो यहाँ पे मैं इस तेल को बनाने के लिए मेहंदी का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही ये तेल हल्का हल्का गर्म हो जाएगा हम इसमें जो है लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो है मेहंदी पाउडर जो है वो मिला देंगे। तो ये यहाँ मैंने बाज़ार से खुली मेहंदी का पाउडर लिया है। आप पैकेट वाली मेहंदी जो है ना यूज़ करें क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। कहीं से आपको ये खुली मेहंदी मिल जाए तो आप उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली जो शॉप्स हैं उन पर अवेलेबल हो जाती है, या फिर आप पतंजलि का भी मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और उसको एक अच्छे से बॉईल आने देंगे। मेहंदी ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। जैसे ही मेहंदी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो रात भर आप इसे रख दीजिए क्योंकि जो कढ़ाई की ब्लैकनेस है वो इसके अंदर अब आ जाएगी अच्छे से, और सुबह आप इसे छान के जो है किसी बॉटल में भर के रख दीजिए और उसके बाद जब भी आपको बाल धोने हो उससे पहले एक रात पहले आप इनको बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए इस तेल को। तो आपके 2 से 4 महीने के अंदर ही जितने भी ब्लैक हेयर वाइट ग्रे हेयर्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगे और धीरे धीरे। तो आपको लगभग 3 से 4 महीने रेगुलर इस रेमेडी को करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा तेल जो है वो ब्लैकनेस आ जाएगी उसके अंदर, और इसको आप रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह इसे छान के यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ग्रे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो अगर आपके भी ग्रे हेयर्स हैं या फिर बहुत छोटी उम्र में हो गए हैं तो आप इस तेल को बना के जो है लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।